जय गुरु। चलिए परम ब्रह्मा श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के वाणी के ऊपर आलोचना करते हैं। भावना में 1934 की बात है। सत्संग के तत्कालीन प्रेसिडेंट केस्टोदा डॉक्टर केपी भट्टाचार्य ने श्री ठाकुर से प्रार्थना करते हुए कहा, यदि आप कुछ अमृत बाणियाँ अंग्रेजी भाषा में भी देते हैं तो उससे काफ़ी लोगों का उपकार होता। यह सुनकर श्री ठाकुर थोड़ा मुस्कुराए, फिर बोले, यह कैसी बतू की बातें आप कर रहे हैं? क्या आपने कभी अंग्रेजी भाषा में कुछ बोलते हुए मुझे सुना है? वह यह जानते थे कि श्री ठाकुर को कोई शैक्षणिक योग्यता या डिग्री नहीं है। उन्होंने भाव समाधि अवस्था में उनके श्रीमुख से कई विदेशी भाषाओं में बानिया निकलते हुए सुना था। फिर भी इन रहस्यों और लीलाओं को तो उनके अतिरिक्त कोई नहीं समझा सकता। लेकिन दो तीन दिनों के उपरांत ही दयाल ने शाम के समय अचानक केस्टोदा को बुलाया और बोले, अंग्रेजी की बानिया लिखो। यह सुनकर वो आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने तुरंत अपनी डायरी और पेन निकाला। श्री ठाकुर के श्रीमुख से धारा प्रवाह बानिया निकलना प्रारंभ हो गई और वह उसे लिखने लगे। ऐसा लग रहा था कि मानो बादलों के झुंड के समान शब्द उनके आँखों के सामने आते जा रहे हैं, जो उनके श्रीमुख से झरने के समान झरझराते हुए निकलते जा रहे हैं। केस्टोदा को उस रफ्तार को पकड़ना मुश्किल हो रहा है। उस समय ठाकुर बोल पड़े, देखो, कोई शब्द छूटने पर मुझसे दोबारा मत पूछना, क्योंकि उससे मैं फिर नहीं बोल पाऊँगा। श्री ठाकुर ने लगभग 3000 अंग्रेजी की बहुमूल्य बानियाँ विभिन्न विषयों पर दे डली, जैसे कुष्टि, धर्म, आदर्श, आध्यात्म, विज्ञान, विवाह, सुप्रजनन, राजनीति, अर्थनीति, दर्शनशास्त्र, शिक्षा, कला और साहित्य, समाज, राष्ट्र, उद्योग, वाणिज्य, स्वास्थ्य, सदाचार, मनुष्य के अंत, समस्या के समाधान से संबंधित बहुमूल्य बानियाँ जो सत्संग प्रकाशन द्वारा 9 मैसेज वॉल्यूम्स में प्रकाशित हुई। जय गुरु।